पहले भी बता चुका हूँ और आज ने देखा भी मेरे साथ, आप हॉस्पिटल में आप भी थे, कि आज कौमी इंसाफ मोर्चा वालों ने जिस तरीके से आज हमारे 51-52 मोहाली चंडीगढ़ के बॉर्डर पे जो बैरिकेड लगी हुई थी, जहाँ रोज़ की तरह वो आज कार्यक्रम उनको करना था और अपनी गिरफ्तारी देनी थी, उसके बजाय इन्होंने आज पुलिस के ऊपर चार्ज किया, वायलेंस किया। सभी के पास हथियार थे, कुछ के पास तलवारें थीं, कुछ के पास डंडे थे, कुछ के पास लोहे के रॉड थे, और उन्होंने जिस तरीके से एकदम से पुलिस पे चार्ज कर दिया, उससे एकदम से हिंसा हो गई। पुलिस ने इनको कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरा रिस्ट्रेन बरता। ऐसे सिचुएशन में आमतौर पर सिचुएशन गलत भी हो सकती है, लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी संयमता से जितनी कोशिश की इनको समझाने की, उसके बावजूद इन्होंने हमारे कम से कम 40 के आसपास जवान, जिसमें कई महिलाएं हैं, उनको आपने देखा है यहाँ पे एडमिट हैं, उनका उपचार चल रहा है, कईयों का सीटी स्कैन हुआ है, कईयों का एक्सरे हुआ है, और कईयों के सर पे चोट आई है, तलवार से चोट आई है, और जैसा डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कईयों को बड़ी गंभीर चोटें हैं, तो उनका प्रॉपर उपचार चल रहा है, उनको एडमिट कराया गया है यहाँ पे, और कई गाड़ियों के क्षति हुई है हमारे पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस की, जिसमें हमारी वज्रा वैन है, हमारा वाटर कैनन है, हमारा अपना फायर का वो था एम्बुलेंस, आपको पता है, वो सारी गाड़ियों को इन्होंने पूरी तरह से डैमेज किया, और जो ड्राइवर अंदर बैठे थे उन पर भी तलवार से अटैक किया। तो आज इस क्राउड ने एक तरह से जानलेवा हमला पुलिस के ऊपर किया। तो सर ये पूरा प्री प्लान लगता है कि पूरा प्री प्लान मामला था। तो इसको देख करके ये लगता है कि एक तो ये जो क्राउड था बिल्कुल किसी के काबू में नहीं था, इनके लीडर्स के भी कंट्रोल में नहीं था, और इन्होंने एक कोई डेफिनेटली जब इस तरह से हथियारों से लैस होकर के अगर कोई आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई योजना होगी। चंडीगढ़ पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अब इंसाफ मोर्चे के? देखिए अभी तो हम इसके ऊपर सबसे पहले लीगल कार्रवाई करेंगे, और हम पंजाब पुलिस से भी संपर्क में हैं। ये मोर्चा एक्चुअली पंजाब के एरिया में बैठा हुआ था, आज भी जो स्ट्रगल हुई है वो पंजाब के बॉर्डर पे हुई है, तो मैं पंजाब पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि वो भी कानूनी कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जो खास करके उस इलाके से इलाके में फ्री घूम रहे हैं, जिनके पास घोड़े भी हैं, जिनके पास हथियार भी हैं, और जो इस तरह की घटनाओं को सरेआम दिन दहाड़े रोड पर अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों के सामने नज़ारा था, आपने खुद भी देखा है, तो ये इस तरह के लॉलेसनेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। सर, मामला दर्ज कर दिया गया और चंडीगढ़ पुलिस ने कई सारे अभी इसमें एविडेंस जो है कलेक्ट किए हैं, और हम इसमें पूरी लीगल कार्रवाई करें।